ठीक। देखो लास्ट क्लास में हमने हमने जो पढ़ी थी वो अद्वितीय थ्योरम, यूनिकनेस थ्योरम थी। उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कोई भी क्षेत्र है तो उसके अंदर आप किसी एक बिंदु के ऊपर पोटेंशियल का मान किसी भी तरीके से ज्ञात करो, दो अलग अलग पोटेंशियल लेके करो या दो अलग अलग फील्ड लेके करो, तो उस कंडीशन में उस बिंदु के ऊपर आपके जो आपने आवेश वितरण किया है उसके कारण जो पोटेंशियल का मान होगा वो अद्वितीय या यूनिक होगा, वो हमेशा नियत रहेगा चालक के लिए। ठीक है, ये थ्योरम पढ़ी थी। सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है, समझ लेना, और उसको अगर एक बार में समझ नहीं आए तो बार बार, एक बार या दो बार वीडियो देख के उसको समझना और उसको पढ़ना, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर बार पूछा जाता है 3.5 नंबर में या फिर 7.5 नंबर के अंदर, अगर दो भाग में क्वेश्चन पूछता है तो उसमें पूछ लेता है, ये ध्यान रखना। आज जो हम पढ़ेंगे वो इस यूनिट का एक दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके ऊपर बड़ा 7.5 नंबर का अगर बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बड़ा, तो वो 7.5 नंबर का क्वेश्चन जो वो इसी से पूछा जाता है, और वो है वैद्युत प्रतिबिंब। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल इमेजिंग। अब ये कुछ भी नहीं होता है, इतना ध्यान रखना कि कभी कभार क्या होता है कि हम कोई आवेश किसी जगह पे कोई आवेश का वितरण कर रहे होते हैं या फिर किसी परावैद्युत पदार्थ या चालक के कारण किसी अन्य बिंदु के ऊपर हम क्या करना चाहते हैं, पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ज्ञात करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में स्थिर वैद्युत की जो होती है उसमें क्या होती है, स्थिर वैद्युत में कुछ ऐसी कठिन समस्याएं होती है जिनमें आप क्या करते हो, कभी किसी प्रकार से आपने जहां पे कुछ आपने क्या किया है, कहीं पर कुछ आवेश का वितरण किया है या परावैद्युत पदार्थ या चालकों के कारण किसी बिंदु के ऊपर, बाह्य बिंदु के ऊपर हमें क्या करना हो, वैद्युत क्षेत्र या फिर उसका विभव का मान ज्ञात करना हो, तो वो क्या डायरेक्टली इस प्रकार के आवेश वितरण के कारण क्या करना, ज्ञात कर पाना थोड़ा सा कठिन होता है। तो उसी को ज्ञात करने के लिए किस विधि का यूज किया जाता है, वैद्युत प्रतिबिंब विधि का यूज किया जाता है। जिसमें मान लो कि आपके पास में कोई भी परावैद्युत पदार्थ है, कोई भी चालक प्लेट है, उसके एक तरफ कोई क्यू आवेश है, ठीक है ना, इस क्यू आवेश के कारण यहाँ पर इस प्लेट के ऊपर हमने क्या कुछ दूरी के ऊपर क्यू आवेश का वितरण किया है, इसके कारण कुछ डिस्टेंस के ऊपर एक कोई बिंदु पी उपस्थित होगा, ठीक है ना, तो उस बिंदु के ऊपर क्या आवेश होगा, मतलब उस बिंदु के ऊपर इन आवेशों के कारण जो इसके ऊपर हमने ये आवेश की दूरी पे रखा है और ये प्लेट क्या है भू संपर्कित की गई, जहां से इसके ऊपर पोटेंशियल वी का मान नॉट, वी का मान जीरो है, तो इस आवेश के कारण इस प्लेट से इस बिंदु के ऊपर कितना पोटेंशियल है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके बारे में अगर हमें पता करना हो तो हमें किसका उपयोग करना पड़ेगा, वैद्युत प्रतिबिंब विधि का उपयोग करना पड़ेगा। इसमें होता कुछ भी नहीं है, आपने जब जिस प्रकार का आवेश यहाँ पे रखा है जिस दूरी के ऊपर, उसी दूरी के ऊपर दूसरी तरफ क्या होगा, इसके जैसा जैसा एक और आवेश प्रोड्यूस हो जाएगा और उसकी दृढ़ता क्या होगी, पहले वाले आवेश की तुलना में विपरीत प्रकृति होगी, और उस वजह से अब आप क्या कर सकते हो, ये भी सिद्ध कर सकते हो कि इस प्लेट के ऊपर पोटेंशियल का मान जीरो है और इस बिंदु के ऊपर क्या पोटेंशियल होगा, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसका मान भी हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना, प्रतिबिंब नाम से पता चल रहा होगा कि जो आपने पदार्थ के ऊपर आवेश का वितरण किया वैसा का वैसा इमेज के रूप में एक आपको क्या मिले, दूसरा, क्योंकि रियल में वो आवेश होगा नहीं, बस इमेजिनेशन होगा, और इमेजिनेशन में भी आप ध्यान रखा वो आवेश कैसा होगा, जो आपके पास में रियल में आवेश है उसके विपरीत प्रकृति या उसके विपरीत पोलराइजेशन का दूसरा आवेश आपके क्या होगा, उस पदार्थ या उस प्लेट या उस चालक के दूसरी तरफ वो क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। देखो इसकी डेफिनेशन में कुछ भी नहीं है, इतना सा लिखना है कि कोई भी अगर स्थिर वैद्युत की में स्थिर वैद्युत की में कुछ ऐसी समस्याएं हैं, कुछ ऐसी समस्या है होती है जहां मैं कुछ आवेश वितरण या फिर परावैद्युत पदार्थ या चालकों के कारण क्या करना हो, किसी बिंदु पे हमें क्या ज्ञात करना हो, पर विभव तथा
का मान ज्ञात करना होता है, होता है। तो इस प्रकार की समस्याओं के लिए हम किसका किस विधि का उपयोग करेंगे? वैद्युत प्रतिबंध विधि का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो देखो अगर किसी प्रकार से कोई प्राविद्युत पदार्थ दिया है तो उसके ऊपर अगर आपके आपके कोई भी पास में आवेश है या फिर किसी भी तरीके का कोई भी चालक है, उसके कारण बाहर किसी बिंदु के ऊपर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र या फिर किसका मान ज्ञात करना हो, पोटेंशियल का मान ज्ञात करना हो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रिकल इमेज या फिर ये कह सकते हो किसी चार्ज का इमेजिनेशन फॉर्मेट हमको क्या करना पड़ेगा, कंसीडर करके उसके कारण हमें क्या करना पड़ेगा, विद्युत क्षेत्र या फिर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ज्ञात किया जाता है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो इस प्रकार की समस्या के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लिए विद्युत प्रतिबिंब विधि का उपयोग किया जाता है। देखो सीधा तो ये समझ में नहीं आएगा, पर ये एक तरीके से इस तरीके से समझ में, जैसे अभी ये देखो ये इसके बारे में मैंने बताया कि कोई भी अगर आपके पास में ऐसी प्रॉब्लम हो जिसके अंदर आपने कुछ आवेश वितरण किया है या फिर ऐसा कोई भी पदार्थ जो कि प्राविद्युत पदार्थ या चालक हो, उसके कारण बाहर की तरफ कोई भी एक बिंदु होगा जिसके कारण हमें क्या करना हो, उस बिंदु के ऊपर पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ज्ञात करना है, तो डायरेक्टली हम ज्ञात नहीं कर सकते। तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, कौन सी विधि का उपयोग करना पड़ता है, इलेक्ट्रिकल चार्ज या फिर इलेक्ट्रिकल इमेज मेथड का यूज करना पड़ता है। देखो ये समझ में कब समझ में आएगा, जैसे हम इससे के आगे इसी का यूज करते हुए हम क्या करते हैं, एक प्लेट चालक प्लेट के ऊपर जब हम किसी इमेज चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान ज्ञात करते हैं, तो वहां से ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। क्योंकि आप देखोगे वहां से कि ये जो इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है इसका परिणामी मान कैसा होता है, मतलब अगर आपके पास में आपने आवेश वितरण पॉजिटिव किया है तो इलेक्ट्रिकल चार्ज है या फिर ये जो वैद्युत प्रतिबिंब है इसका या फिर इसका मान जो होगा उस चार्ज के जैसा जैसा इसका मान कैसा होगा, उसी के जैसा होगा या फिर उसका ऑपोजिट होगा, ये सारी की सारी चीजें जो आगे वाला टॉपिक है उससे आपको पता चल जाएगी। तो देखो टॉपिक क्या है, भू संपर्कित चालक प्लेट के निकट आवेश का विद्युत प्रतिबिंब। अब आपके पास में क्या है, एक चालक प्लेट है, ठीक है, इस चालक प्लेट को आपने क्या कर दिया, भू संपर्कित कर दिया, भूमि से संपर्क करा दिया। तो उस कंडीशन में उसी के साथ में क्या बोला गया कि इससे क्या है, किसी एक निकटतम कुछ ना कुछ दूरी के ऊपर क्या आपके पास में एक कौन सा आवेश उपस्थित है, कोई भी आवेश मान लो प्लस क्यू आवेश, आप क्यू आवेश उपस्थित है, ठीक है, जो कि किस दूरी के ऊपर है, ए दूरी पर। तो इस आवेश का इलेक्ट्रिकल इमेज चार्ज क्या होगा, एक तो उसका मान ज्ञात करना है, दूसरा चीज ये कि इसके कारण इस प्लेट के कारण किसी बिंदु पी के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत विभव का मान भी ज्ञात करना पड़ेगा। देखो जब आप इसको भू संपर्कित कर देते हो ना तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो ये चालक है वो क्या करता है, पोटेंशियल के लिए क्या करता है, दो परिसीमाओं का या दो बाउंड्री कंडीशन का क्या करता है, पालन करता है। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से बस इतनी सी ध्यान रखना कि जैसे आप भू संपर्कित करते हो ना उस वजह से क्या होता है, इसके ऊपर पोटेंशियल का मान क्या हो जाता है, जीरो होता है। दूसरी चीज ये होती है कि पोटेंशियल का मान इसलिए जीरो हो गया क्योंकि ये क्या है, भूमि से संपर्कित है, पृथ्वी से कनेक्टेड है। दूसरी चीज ये होगी कि अगर हम यहाँ से इसके इस यहाँ से हम क्या चले जाए, इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर चले जाएंगे इस आवेश से, तो भी उस कंडीशन में भी चालक के कारण या फिर चालक पे इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर भी क्या होगा, पोटेंशियल का मान क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ पे जो ये भू संपर्कित चालक प्लेट है इसके ऊपर पोटेंशियल की कितनी होगी, दो शर्तें होगी, विभव की कितनी होगी टोटली,
परिसीमाएं होती है इस भू संपर्कित प्लेट के लिए। देखो सिर्फ समझा रहा हूँ, लिखा हुआ नोट्स के अंदर मिल जाएगा, क्योंकि देखो फर्स्ट यूनिट के भी नोट्स भेजे, सेकंड के भी भेजने हैं, लेकिन वो भी भेज दूंगा, और साथ ही साथ में थर्ड यूनिट की जैसे पूरी होगी उस समय इसके भी भेज दूंगा। तो अभी सिर्फ आप ये समझ लो कि है क्या, तो वहां से ये अगर ये समझ में आ गया तो ये पता चल जाएगा, एक बार आइडिया लग जाएगा कि हो क्या रहा है इसके अंदर, और कुछ भी नहीं। मेनली आपको क्या करना है, इसकी इलेक्ट्रिकल इमेज का मान ही ज्ञात करना, और कुछ भी नहीं। इलेक्ट्रिकल इमेज से मतलब कि जैसे इसकी इमेज है, ये है, इसकी क्या, इसका प्रतिबिंब क्या होगा, उसका मान ज्ञात करना। अगर ये पॉजिटिव आवेश है तो इसके प्रतिबिंब के रूप में आपको मालूम होना चाहिए नेगेटिव आवेश होगा, इतना आपको पता चल गया होगा। लेकिन वो होगा कैसा, कैसे इसका मान, इसका इमेज चार्ज होगा वो माइनस के क्यों ही आएगा, वो हमें क्या करना पड़ेगा, ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखो इसके लिए जो ये आपने भू संपर्क प्लेट लिए, इसके लिए आपके पास में टोटली क्या होंगे, दो कंडीशन होगी। एक तो ये कि ये जब भूमि से कनेक्ट हो जाती है उसकी वजह से इस प्लेट पे क्या होगा, और विभव का मान क्या हो जाएगा, V बराबर जीरो। दूसरा क्या होगा, अनंत पर भी विभव का मान क्या होगा, शून्य होगा। ये तो आपको पहले से मालूम है, आर अगर इन्फाइनेट होता है डिस्टेंस, किसी दूरी अनफाइनेट डिस्टेंस से ला रहे हो तो आवेश को, तो उस कंडीशन में इन्फाइनेट के ऊपर तो पोटेंशियल का मान हमेशा जीरो ही होता है, ठीक है। अब देखो चालक में सीधी सी बात, यहां से तो ये पता चलेगा चालक के ऊपर पोटेंशियल का मान जीरो है, पर हम डायरेक्टली यहाँ पर आप चालक के ऊपर पोटेंशियल का मान इसलिए जीरो नहीं बता सकते क्योंकि आपके पास में इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव व्यू आवेश है, इसके कारण इसके ऊपर कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। अब पोटेंशियल को जीरो करना है, उसके लिए हम क्या करते हैं, इसके ओपोजिट साइड में बाई तरफ क्या करते हैं, इसी का विपरीत आवेश ले लेते हैं माइनस के, ठीक है, इसी की जितनी दूरी के ऊपर, ठीक है। अब इस वजह से इसके ऊपर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल का मान क्या हो जाएगा, जीरो। इसी को क्या बोलेंगे, इसका वैद्युत प्रतिबिंब। अब हमने यहाँ पे इसको कंसीडर किया पोटेंशियल को जीरो लेने के लिए, लेकिन जब ये डेरिवेशन पूरा होगा ना तो उस समय आपको पता भी चल जाएगा, मतलब वहां से ये भी प्रूव हो जाएगा कि रियलिटी में भी इसका इलेक्ट्रिकल इमेज जो होती है वो क्या होता है, माइनस के क्यू आवेश के बराबर ही होती है, ठीक है। अब देखो अब हमें क्या करना है कि ये जो दो आवेश है, इन दो आवेशों के कारण क्या है, किसी इस प्लेट से किसी आर दूरी के ऊपर स्थित कोई भी एक बिंदु पी है, जैसे कि ये आर थीटा, इस बिंदु पी के ऊपर इन दोनों आवेशों के कारण हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, जो टोटल पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा उस पोटेंशियल का मान ज्ञात करना होगा। देखो इमेज बनाते हैं इसकी सही ढंग से, अब देखो अब इन दो आवेशों के कारण क्या करना है, इस बिंदु P के ऊपर क्या करना है, आप लोगों को पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ज्ञात करना होगा, ठीक है। उसके लिए मान लो कि दोनों ही आवेश जो है उनके बीच की दूरी क्या है, 2a, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इन दोनों आवेश के कारण इसके ऊपर पोटेंशियल का मान जब ज्ञात करोगे बिंदु P के ऊपर, प्लस q और माइनस q आवेश के कारण, एक कारण P पर विभव लिखोगे, तो P पर ये विभव लिखोगे तो V बराबर आप क्या लिखोगे, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R डैश लिखोगे, ठीक है। ऐसे कैसे ये V बराबर आगे इसमें कॉमन आएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
तो अंदर क्या आ जाएगा, 1/r - 1/r, ठीक है, ये आ गया इसका पोटेंशियल। अब इसमें आपको वैल्यू किसकी पता करनी होगी, 1/r' का मान ज्ञात करना होगा। इसके अंदर ट्राइंगल वाला नियम लगाओगे तो उस कंडीशन में यहाँ पे ट्राइंगल वाले नियम से इसके अंदर क्या हो जाएगा, 1/r' का मान मिल जाएगा। देखो r' यहाँ से इसके ऊपर ट्राइंगल वाला नियम लगा के जब मान ज्ञात होगी तो r' का मान जो होगा वो r वेक्टर प्लस 2a वेक्टर के बराबर आएगा, क्योंकि बीच का एंगल डायरेक्शन में डायरेक्शन लोगे तो बीच वाला एंगल जो है वो थीटा इसके अंदर यूज होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से ये r का परिणामी मान r' का जो लिखोगे वो क्या होगा, r स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4ar cos थीटा, ठीक है ना, इधर की तरफ इसके अंदर ये डायरेक्शन है, ठीक है ना, और ये डायरेक्शन इधर की तरफ इसके ऊपर ज्ञात करनी है और यहाँ पर ये। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ये वैल्यू जब ज्ञात करोगे तो r' का मान जो है वो r वेक्टर और इस 2a वेक्टर के संयोजन के बराबर, रिजल्टेंट के बराबर होगा इनका, क्योंकि आप देखो ट्रायंगल है, ट्रायंगल लॉ से आप क्या करते हो दो वेक्टर के लिए इसी तरीके से रिजल्टेंट को ज्ञात करते हो। देखो r' का मान ये आ गया, एक तो सीधा r' का मान इसके अंदर रखो और इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ज्ञात करो किसके रूप में, त्रिज्यीय घटक और दूसरा कौन से घटक के रूप में, पार्श्व घटक या फिर अनुप्रस्थ घटक के थीटा के रूप में इसका मान ज्ञात कर सकते हो। दूसरी r' की वैल्यू आप किस प्रकार से लिख सकते हो, 1/r' के रूप में भी लिख सकते हो। ये 1/r' के रूप में जो वैल्यू है वो हमने इससे पहले भी जो सेकंड यूनिट थी उसके अंदर हमने दो बार पढ़ी थी, जिसके अंदर आपने क्या किया था, जो मल्टीपोल का आपने क्या किया था, मल्टीपोल्स के लिए आपने क्या किया था, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ज्ञात किया था, उसके अंदर भी हमने 1/r' के टाइप में छह दो तीन इक्वेशन सॉल्व की थी। देखो उसके लिए अगर हम उस तरीके से इसको लिखे तो उस तरीके से इसका मान जो है वो क्या लिखा जाएगा, 1/r' बराबर 1/r कोष्टक में 1 + 4a² / r² + 4a / r cos थीटा की पावर -k/(1/2)। अब ये फॉर्मेट किसके जैसा है, 1 + x^(-k)/(1/2) के जैसा है। तो इसका क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंशन करना पड़ेगा 1 + x^(-k)/(1/2) के फॉर्मेट में। तो 1/r' जो है किसके बराबर आ जाएगा, हायर टर्म को नेगलेक्ट करने पे 1 - k/(1/2) कोष्टक में 4a² / r² + 4a / r cos थीटा, ये वैल्यू आ जाएगी इसकी। या तो डायरेक्ट ये वाली वाली वैल्यू जो है आप कौन से पोटेंशियल, इस पोटेंशियल 1/4πε0q 1/r - 1/r' के अंदर ये वैल्यू यूज करो, नहीं तो फिर आप क्या कर सकते हो, सीधा ये वाला r का मान रखोगे तब भी इसके अंदर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेनली आपको ज्ञात क्या करना है, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ज्ञात करना है। पोटेंशियल तो सीधा ही r' का मान रखते निकल जाएगा, पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मालूम है r त्रिज्यीय घटक और दूसरा एंगल जो दूसरा आपका जो पार्श्व घटक या थीटा के रूप में जगह घटक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, r और थीटा के सापेक्ष उस पोटेंशियल का क्या करना पड़ेगा, आकलन करना पड़ेगा, तब r और थीटा के रूप में क्या मिलेगा आपके इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का मान। अब देखो यहां से आप क्या करते हो, r' का मान इसमें रख दो, r' का मान जब इसमें रखोगे तो पोटेंशियल v बराबर क्या आ जाएगा आपके, q/4πε0 1/r - 1/r² + 4a² + 4ar cos θ की पावर प्लस के वन, ये मान आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये तो आपका क्या है, वो पोटेंशियल है जो कि आप किसके ऊपर ज्ञात करना चाहते हो, इन जो ये आपके पास में जो रियल में जो आवेश आपने वितरित किया था प्लेट के पास में, उसके कारण एक और इमेज चार्ज उत्पन्न हुआ, उन दोनों आवेशों के कारण जो पोटेंशियल है उसका मान क्या होगा, ये होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो ये पोटेंशियल तो मिल गया हमें, अब हमें इस जो ये दो आवेश है उनके कारण हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी मान ज्ञात करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के पास में दो घटक होंगे, एक तो कौन सा घटक होगा आपके, त्रिज्यीय घटक होगा, दूसरा जो घटक होगा वो कौन सा होगा, पार्श्व घटक होगा, ठीक है। त्रिज्यीय घटक के अंदर ई आर जो होता है वो क्या होता है, -(∇v/∇r) के बराबर होता है, और पार्श्व घटक के अंदर ई थीटा बराबर क्या होता है, -(1/r)∇v/∇θ के बराबर होता है, ठीक है।
ठीक है। अब आप क्या करोगे, जब आर और थीटा के साथ इनका डिफरेंशिएशन करोगे तो उस कंडीशन के अंदर आपको क्या मिल जाएंगे, इसके त्रिज्या और पार्श्व घटक का मान मिल जाएगा। दूसरी चीज ये कि जिस डायरेक्शन के अंदर इनके अंदर फोर्स लग रहा होगा ना आवेश में, उस डायरेक्शन के अंदर आप क्या कर सकते हो, एक्स और वाई घटक के रूप में भी इनका मान ज्ञात कर सकते हो। वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन उससे पहले हमको क्या करना है, इसके त्रिज्या और पार्श्व घटक का मान ज्ञात करना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, इस पोटेंशियल की इक्वेशन का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो आप देखो ई आर का मान क्या आ जाएगा, ई आर बराबर क्यू अपॉन 4π ε0 cos तक में आर का इंटीग्रेशन किसके सापेक्ष करना, आर के साथ, आगे एक माइनस का साइन पहले से ही है, क्या आएगा माइनस के 1/r2। ठीक है, अब देखो पीछे माइनस का साइन है प्लस, लेकिन आएगा कौन सा साइन प्लस का, क्योंकि पावर जो है आर वाली टर्म है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगी, तो माइनस के 1/2 होगा, माइनस के 1/2 नीचे मल्टीप्लाई में आएगा, फिर इसमें माइनस के 1 जुड़ेगा तो माइनस के 3/2 हो जाएगा, तो माइनस के 3/2 नीचे आएगा तो वो प्लस के 3/2 में आ जाएगा। तो यहाँ से ये वैल्यू जो है वो नीचे के क्या लिखी जाएगी, आर स्क्वायर प्लस 4a² प्लस 4ar cos थीटा की पावर 3/2। अब देखो अंदर आर की दो टर्म्स है, उन दोनों का क्या करना पड़ेगा आपको, आर के सापेक्ष क्या करना पड़ेगा, आउकलन। तो यहाँ पे वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, आपको 2r प्लस 4a cos थीटा, 2 से ये 2 गया, यहाँ पे er बराबर क्या आ जाएगा आपके q अपॉन 4π ε0 1/r² माइनस r प्लस 2a cos थीटा अपॉन r² प्लस 4a² प्लस 4ar cos थीटा की पावर a। ये तो आपके क्या आ गया, त्रिज्या घटक आ गया इसका। अगर आपको एंगल मालूम हो तो उस कंडीशन आप क्या कर सकते हो, जिस दूरी के ऊपर है वो उसका उस पहले वाले आवेश के साथ में जो भी एंगल है वो, अगर आपको थीटा का मान मालूम हो तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सीधा त्रिज्या घटक का मान ज्ञात कर सकते हो। दूसरा घटक आपके कौन सा है, पार्श्व घटक ई थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के 1/r डेल वी अपॉन डेल थीटा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, माइनस के क्यू अपॉन 4π ε0 r cos थीटा में क्या आ जाएगा, फिर एक माइनस साइन लगेगा, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस 4, क्योंकि 1/r का तो डिफरेंशिएशन थीटा के सापेक्ष क्या हो जाएगा, 0, तो एक माइनस साइन तो वो वाला आ गया, फिर 4 ए स्क्वायर प्लस 4ar cos थीटा की पावर 3/2। एक माइनस साइन वो वाला और एक माइनस का साइन यहाँ से ऊपर जाएगा तो वो वाला कट जाएगा, लेकिन अब यहाँ पे ये माइनस का साइन क्यों आया, क्योंकि आप देखोगे तो थीटा की टर्म सिर्फ ओनली फॉर एक इसके अंदर, फॉर ए आर कॉस थीटा के अंदर, और कॉस थीटा का आउकलन जो होगा वो क्या होगा, माइनस के साइन थीटा होगा। पहले एक माइनस का था, फिर ये माइनस के 1/2 ऊपर गया तो वो नीचे आया, तो माइनस के 1/2 और ये माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए, तो अंदर और कोई भी माइनस का साइन नहीं बचा था, पर वापिस जो अंदर एक थीटा बार का और अंकुलन हुआ तो उस वजह से आगे क्या आ जाएगा, माइनस के 4a cos 4ar sin थीटा। अब यहाँ पे ई थीटा का मान लिखेंगे तो ये क्या होगा आपके, प्लस के q अपॉन 4π ε0 और a sin थीटा अपॉन r स्क्वायर प्लस 4a² प्लस 4ar cos थीटा की पावर 3/2। अब ये जो है ये दोनों क्या है आपके, इस बिंदु P के ऊपर आपके क्या है, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है, अलग अलग मान है, ठीक है ना। इसके आगे का हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में।